केरल का ब्लैक फ्राइडे, जी हाँ, इस हादसे से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको हम दे दें। केरल के कोझिकोड विमान हादसे में मरने वालों की संख्या अब और बढ़ गई है, 18 पर यह संख्या पहुंच चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, प्लेन क्रैश से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, मृतकों की संख्या पहुंची 18। इस विमान हादसे में पायलट और को पायलट दोनों की ही मौत हो गई है। विमान में कुल 190 लोग सवार थे, 10 बच्चे भी इसमें शामिल थे, इन सभी को बचा लिया गया, लेकिन दुखद ये कि पायलट और को पायलट समेत 18 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। हालांकि पायलट की सूझबूझ की वजह से हादसा बहुत बड़ा नहीं हुआ, कैजुअलिटी कम इसमें रही है, लेकिन दुखद क्योंकि पायलट जो कि बेहद अनुभवी थे, वो और उनके को पायलट दोनों की ही इस हादसे में मौत हुई है। फिलहाल दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर कल रात की है जब हादसा हुआ था, और उसके बाद जैसे ही तस्वीरें मिलनी शुरू हुई थी, पहली वही तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और आज सुबह की जो तस्वीर है वो भी आप देख लीजिए। अभी फिलहाल जांच जो है वो जारी है, टीम रवाना हो चुकी है, ये आज सुबह की तस्वीर है और पहली तस्वीर कल रात की है। देखिए, जो बचाव दल वहां पर पहुंचा हुआ है उसके हाथ में आपको छाता भी दिखाई दे जाएगा। बारिश बहुत तेज थी इलाके में और यही फिलहाल प्रथम दृष्टया इस हादसे की वजह लग रही है, क्योंकि जो विजिबिलिटी थी वो बेहद कम बताई जा रही है, और इसी वजह से बारिश की वजह से रनवे के ऊपर काफी फिसलन भी थी। तो दो तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये आप उस रनवे की तस्वीर देखिए, क्योंकि ये टेबल टॉप रनवे था जिसमें लैंड करते वक्त जगह बहुत कम होती है, ये हम उसी की तस्वीर फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जगह कम होने की वजह से बहुत जल्दी और सीमित समय के अंदर ही लैंड कराना जरूरी होता है विमान को, और जो सफेद रंग का आप निशान सबसे आगे देख रहे हैं वहां पर जाकर के प्लेन को रुक जाना होता है, लेकिन कल बस यही नहीं हो पाया, इस सफेद निशान से बाहर निकल गया प्लेन और 35 फीट नीचे खाई में गिरा। अभी आप एनिमेशन के जरिए समझिए, ये देखिए जब प्लेन लैंड हुआ ना तो वहीं पे ये टूट गया, तीन हिस्से में टूटा प्लेन और इसका एक हिस्सा जाकर के नीचे खाई में भी गिर गया। अब बताया ये जा रहा है कि प्लेन का जो अगला हिस्सा था, जो सामने का हिस्सा था, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, मतलब कॉकपिट का वो एरिया जहां पर पायलट को पायलट बैठते हैं। ये एक बार फिर से आप देखिए, जैसे रनवे पर उतरा ये विमान डिसबैलेंस हुआ और उसके बाद विमान के टुकड़े हो गए और इसी का एक विमान जाकर के नीचे खाई में गिर जाता है। इन तस्वीरों को देख करके आपके लिए अंदेशा लगाना भी बेहद मुश्किल होगा कि अंदर जो लोग बैठे रहे होंगे उनके ऊपर उस वक्त क्या बीती होगी। केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया का प्लेन लैंड करते वक्त क्रैश हो गया। एनिमेशन के जरिए वो पूरा वाकया भी आपको समझाया हमने। लैंडिंग में फिसल करके विमान तीन टुकड़ों में बट गया। विमान में 184 यात्रियों के समेत कुल 190 लोग सवार थे। हादसे में दोनों ही पायलट समेत 18 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट आप देखिए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं कोझिकोड एयरपोर्ट में हुए विमान हादसे की। हर तरफ बिखरा प्लेन का मलबा, रोते बिलखते लोग, राहत और बचाव करते एनडीआरएफ के कर्मचारी, और हर तरफ अफरा तफरी। दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान शाम 7:41 पर कोझिकोड पहुंचा था, लेकिन बारिश और विजिबिलिटी कम होने की वजह से प्लेन रनवे पर फिसल गया और 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। गिरने के साथ ही प्लेन दो हिस्सों में टूट गया, उसका कॉकपिट भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि हादसे के बाद प्लेन की हालत कैसी हो गई। दुबई से यात्रियों को लेकर लौटे एयर इंडिया के A737 बोइंग विमान में 184 यात्रियों समेत कुल 190 लोग सवार थे। हादसे में विमान के दोनों पायलटों समेत 17 लोगों की मौत हो गई है। पायलट दीपक वसंत साठे एयरफोर्स में विंग कमांडर थे और एयरफोर्स से कमीशन होने के बाद 15 साल से एयर इंडिया से जुड़े थे। 12 यात्रियों की हालत गंभीर है, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं और मंत्रियों ने हादसे पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने केरल के सीएम पी विजयन से फोन पर बात की और ट्विटर पर संवेदना व्यक्त की।
कोझिकोड में हुए विमान हादसे से शोकाकुल हूँ। मेरी संवेदनाएं अपने प्रियजनों को खोने वालों के साथ हैं। घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। देर रात तक एयरपोर्ट के बाहर एम्बुलेंस दौड़ती रही। फिलहाल राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन मलबा हटाने का काम अभी जारी है। केरल के सीएम पी विजयन ने ट्वीट कर हादसे की पूरी जानकारी दी। घायलों को मल्लपुरम कोझिकोड के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया का ये विमान दुबई से आ रहा था। विमान ने दुबई से शाम करीब 4:30 बजे टेक ऑफ किया था। प्लेन से सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। केरल विमान हादसे में बचाव अभियान पूरा हो गया है। अलग अलग अस्पतालों में घायल यात्री भर्ती हैं। हादसे की बड़ी वजह केरल के एयरपोर्ट के टेबल टॉप रनवे को भी माना जा रहा है, क्योंकि अमूमन ऐसे एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग बेहद खतरनाक होती है। ये रनवे पठार या पहाड़ के टॉप पर बने होते हैं। कर्नाटक के मंगलुरु, केरल के कोझिकोड और मिजोरम में टेबल टॉप रनवे बने हुए हैं। तेज बारिश और विजिबिलिटी कम होने समेत हादसे की कई वजह हो सकती है। फिलहाल DGCA ने हादसे की जाँच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद ही हादसे की असल वजह सामने आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस पूरे हादसे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बयान भी दिया है। उन्होंने बताया कि आखिरी वक्त में पायलट पूरी कोशिश करते रहे कि हादसा रुक जाए, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्बानी देते हुए कई और लोगों की जान बचा ली। जान थी जो दुबई से आ रही थी, पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे और ये 7:41 पे फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशंस जो है मॉनसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के अखीर तक लाने रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसअप हुआ और 35 फीट की वहाँ ड्रॉप है। इसलिए पर तुरंत जो रेस्क्यू लोग हैं, हमारे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच गए। लोगों का भी सहयोग रहा है और एक तरीके से, वैसे मैंने कहा एक भी मृत्यु ऐसी दुर्घटना में हो जाए तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होती है, पर शुक्र है कि वो हवाई जहाज को आग नहीं लगी। केरल में हुए इस विमान हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। साल 2020 में पाकिस्तान के कराची प्लेन क्रैश के अलावा यह दूसरा बड़ा हादसा है, लेकिन 2010 को विमान हादसों का ही साल माना जाता है। ऐसा क्यों है ये भी बताते हैं आपको। अब तक बुरी खबरों का साल रहा 2020, एक नए हादसे का गवाह बना। दुबई से आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नंबर IX1344 का जहाज कोझिकोड में मौजूद कालीकट एयरपोर्ट के रनवे पर फिसल गया। तारीख 22 मई साल 2020, पाकिस्तान के कराची में एक रेजिडेंशियल एरिया में विमान हादसा हुआ। हालांकि 10 साल पहले यानी 2010 को विमान हादसों का दौर कहा जाता है। January 25, 2010 विमान हादसे की शुरुआत बेरूस से हुई थी। यहां से उड़ने की कुछ ही देर बाद इथोपिया एयरलाइंस पैसेंजर जेट समुद्र में गिरा था। April 10, 2010 इस हादसे में 90 लोग मारे गए थे। इसमें पोलिश राष्ट्रपति लेफ कोजेंस्की को लेकर जा रहा टुपलो 154 विमान रूसी एयरपोर्ट स्मोलेंस्क पर हादसे का शिकार हो गया था। बाईस मई 2010
इस हादसे में 158 लोगों की मौत हो गई थी। यह हादसा भी एयर इंडिया के विमान का था। एयर इंडिया का एक्सप्रेस बोइंग 737 मंगलूर एयरपोर्ट पर रनवे से फिसलकर खाई में गिर गया था। जुलाई 2010 इस हादसे में 152 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तानी विमान एयर ब्लू की घरेलू फ्लाइट इस्लामाबाद में उतरते समय पहाड़ियों से टकरा गई थी। 5 नवंबर 2010 इस हादसे में 68 लोग मारे गए थे। यह हादसा एयरो कैरेबियन पैसेंजर टर्बोप्रॉप विमान में हुआ था, जब मध्य क्यूबा की पहाड़ियों से विमान टकरा गया था। 2011 के कोझिकोड में हुए विमान हादसे ने भी देश को हिलाकर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 2010 विमान हादसों का साल रहा था। 2020 भी कुछ खास अच्छा नहीं है। कोविड-19 के चलते लोग पहले ही बेहाल थे। बाढ़ और बारिश ने अलग तबाही मचाई हुई है, और अब केरल में यह विमान हादसा। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तुरंत।